हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर ईवीएस बुक, दैट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो इन वेरी फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर द एक्सरसाइज इज गिवन. सो नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइजेज. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस. So the first question is, choose the correct options. So the first question is, the dash is known as the sheep of the desert. So answer will be camel. Second question is, the non-availability of dash is a major problem in a desert. That is, answer will be transportation. The third question is, dash are commonly experienced in desert. The answer will be sandstorms. The fourth question is, the dash plant is commonly found in desert. So answer will be cactus. Cactus is the plant which is commonly found in desert, you know very well. So now we have the last question, that is, a desert is one of the dash on earth. Answer will be landform. Desert is a landform. Now the second type of question, in which we have to give the two examples of each of the following. The first question is animals that are found in desert. So you have to give answer for all of these questions by using your common sense. So it is your homework for today. Now we have our new topic, our next topic, our first topic of this chapter, that is desert in the west. So now we are going to start our chapter with this topic, desert in the west. In this chapter we are going to talk all about the desert found in India. So it starts with desert in the west. So dear students, as we know that the great Indian desert or the Thar desert covers a large area of Rajasthan. Means aap jante ho ki jo Thar desert hai ye apne India ka sabse bada desert hai, theek hai. Dusri baat ye ki jo ये डिज़र्ट है थार डिज़र्ट, ये है कहाँ पे, तो राजस्थान, एक स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे है. बट सिर्फ राजस्थान में नहीं, उसके आगे भी फैला हुआ है ये. आपके जो थार डिज़र्ट है ये आपके गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक फैला हुआ है. सो थार डिज़र्ट इज़ द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डिज़र्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, इस डिज़र्ट के चलते हम राजस्थान को डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान में ही सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट डिजर्ट इज फाउंड, दैट इज थार डिजर्ट. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द थार डिजर्ट मेनली लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. इट इज स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ द साउथर्न हरियाणा एंड पंजाब. अब देखोगे कि जो थार डिजर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थार डिजर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, उसका कुछ पार्ट गुजरात में भी आता है और कुछ पार्ट इसके हरियाणा पंजाब में भी पड़ जाता है, ठीक है. टू द साउथ ऑफ द थार लाई द सॉल्ट मॉर्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड टूवर्ड्स द ईस्ट लाई द अरावली हिल्स. अब देखो जो थार डिजर्ट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो साउथर्न पार्ट है, यानी हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट में कहाँ तक जाता है, तो रन ऑफ कच्छ के मार्स तक. मार्स एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा साइट होता है जो किसी वाटर बॉडी और लैंड के, लैंडफॉर्म के बीच का क्या होता है, एक साइट होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप दलदल टाइप जगह कह सकते हो, जो जगह बहुत वेट होता है और जहाँ पे वाटर बॉडीज ख़त्म होते हैं और लैंड जहाँ से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को मार्स कहते हैं. तो जो थार डिज़र्ट साउथ में की अगर बात करें तो थार डिज़र्ट जो है रन ऑफ कच्छ तक जाता है एंड टूवर्ड्स द ईस्ट लाई द अरावली हिल्स. और ईस्ट में कहाँ तक, अरावली हिल्स तक ये कवर करता है, ठीक है. सो नाउ वाइल एट सम प्लेसेस द थार हैज़ अ लॉट ऑफ ड्राई सैंड्स, एट सम अदर प्लेसेस द लैंड इज रॉकी. डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट डिजर्ट इज फुल ऑफ सैंड्स. मीन्स वहाँ पे बालू जो है, सैंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मात्रा में होता है, एक्सेसिवली अमाउंट में होता है प्रेजेंट. तो मस्ट मेजर पार्ट ऑफ द डिजर्ट इज़ कवर्ड बाई सैंड. वहाँ पे तो ज़्यादातर सैंड ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स डिजर्ट के ऐसे भी हैं, स्पेशली अगर थार डिजर्ट की बात करें तो मेजर पार्ट तो सैंड ही होता है, बट माइनर पार्ट कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो रॉकी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सैंड नहीं बल्कि रॉक्स पाए जाते हैं. सो नाउ
अ मेजर पार्ट ऑफ द डिजर्ट इज कवर्ड बाई सैंड ड्यून्स। जब आप सैंड ड्यून्स की करते हैं हम, सैंड ड्यून्स होते क्या है पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं। सैंड ड्यून्स बालू के छोटे छोटे जो पहाड़ बन जाते हैं हवा के प्रेशर की वजह से, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। हिल्स टाइप अपीयरेंस लगता है, हिल्स टाइप, हिल्स समझते हो ना, छोटे छोटे पहाड़ टाइप का, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। सो डिजर्ट्स में सैंड ड्यून्स बहुत एक्सेसिवली मात्रा में पाए जाते हैं और डेली ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू द एक्ट ऑफ एयर। सो सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ द सैंड फॉर्म बाई विंड, ये हवा से बनाए जाते हैं। द विंड्स दैट ब्लो इन द डिजर्ट आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन कॉज सैंड स्टॉर्म्स। अब एक और बात, जो रेगिस्तान होता है ना, डिजर्ट जिसे हम हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तानी जगहों पे ऐसा मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती है और वहाँ पे ऑलरेडी सैंड बहुत एक्सेसिवली अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो हवाओं के साथ मिल के जो बालू है, जो सैंड है, ये उड़ते फिरते रहते हैं और एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं बाय द एक्ट ऑफ एंड द हेल्प ऑफ बाय द एक्ट एंड प्रेशर ऑफ द एयर एंड इट्स फॉर्म सैंड ड्यून्स। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स आर द हील्स ऑफ सैंड, ओके, फॉर्म बाय विंड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस फ्रीक्वेंट विंड्स एंड स्टॉर्म शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेली ऐसा होता है, जब भी हवाएं चलती हैं तेज, तो जो सैंड ड्यून्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे फिक्स होते रहते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज व्हाई इज राजस्थान कॉल्ड द डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान को डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? एंड नेम द स्टेट दैट द थार डिजर्ट कवर्स। मैंने अभी आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर किए हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप इसे आप शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दोगे और इसे आप खुद से बनाओगे बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। सो नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फील इन द ब्लैंक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट दिस ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस बुक, ऑल द आंसर्स आर गिवन इन दिस बुक। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू द साउथ ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाई द डैश द रन ऑफ कच्छ एंड टूवर्ड्स द ईस्ट लाई द डैश। अभी मैंने आपको बताया कि साउथ में मार्स होगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका मार्स होगा, मार्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ। एंड ईस्ट में कहाँ तक थार डिजर्ट लाई करता है? तो अरावली हिल्स तक, ठीक है, आप यहाँ पे अरावली हिल्स लिखोगे। नेक्स्ट है, हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन अ डिजर्ट शिफ्ट द डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी हमने देखा कि जो विंड ब्लो होता है उसके चलते क्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं? तो सैंड ड्यून्स, आंसर विल बी सैंड ड्यून्स। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विंड्स दैट ब्लो इन अ डिजर्ट दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन कॉज व्हाट? सैंड स्टॉर्म, द आंसर विल बी सैंड स्टॉर्म। ऐसा करने से, बार बार हवाएं तेज चलती हैं, ऐसा करने से क्या होता है? तो सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं रेगिस्तानी जगहों पर, मीन्स डिजर्ट एरियाज में। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डिजर्ट, ओके, थार डिजर्ट। सो आंसर विल बी थार डिजर्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू क्लियर लाइफ इन द डिजर्ट टॉपिक, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन कैसे है डिजर्ट एरियाज में ये। सो अब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।